तो चले आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सचिन पायलट से कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की है। विश्वेंद्र सिंह ने सचिन पायलट से मुलाकात की है, ये बड़ी खबर। बड़ी खबर, सचिन पायलट से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात। विश्वेंद्र सिंह ने सचिन पायलट से मुलाकात की है, सचिन पायलट के सरकारी आवास पर मुलाकात ये हुई है। कांग्रेस विधायक राकेश पारीख ने भी सचिन पायलट से मुलाकात की। मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया और वेद प्रकाश सोलंकी ने भी मुलाकात सचिन पायलट से की है। तो सचिन पायलट से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात का जो सिलसिला है वो चल रहा है। सचिन पायलट से कांग्रेस नेताओं ने जहां मुलाकात की है, और मुलाकात करने वाले नेताओं में विश्वेंद्र सिंह से लेकर कांग्रेस विधायक राकेश पारीख, वहीं मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया और वेद प्रकाश सोलंकी शामिल हैं। सचिन पायलट के आवास पर ही जो मुलाकात है इन कांग्रेस नेताओं की सचिन पायलट से हुई है। तो जितिन प्रसाद के कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल होने का असर राजस्थान की सियासत पर भी नजर आता हुआ दिखता है। सचिन पायलट के सरकारी आवास पर अब कांग्रेस नेताओं के मुलाकात का जो सिलसिला है वो चल रहा है। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट जी ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूरे राजस्थान में गांव डाणी तक जाकर इन्होंने संघर्ष किया और प्रत्येक कार्यकर्ता की पहचान करके हम जैसे साधारण परिवार के लोगों को इन्होंने चुनाव लड़ाने का जो बीड़ा उठाया, और इसलिए हम सब लोग आज एक आमजन की आवाज़ बनकर सचिन पायलट जी के साथ हम पहले भी थे और हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। फेरबदल की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जिन बड़े समाजों ने कांग्रेस पार्टी का हमेशा से दामन थामे रखा, आज उन लोगों को अगर किनारा किया गया है तो निश्चित तौर पर ये सोचने वाली बात है। और भविष्य में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल जरूरी। अंकित जुड़ रहा है खबर पर जानकारी के साथ, जी मीडिया संवाददाता अंकित, कौन कौन मुलाकात करने के लिए पहुंचा है, नेताओं के कौन कौन से लिस्ट में नाम अभी जुड़ रहे हैं और क्या मायने हैं इन मुलाकात के? देखिए, इस वक्त मैं सचिन पायलट के सरकारी आवास पर हूँ और सरकारी आवास पर गहमा गहमी दोपहर तक बनी हुई है। अक्सर जो जन सुनवाई होती थी वो सुबह के सत्र में होती थी, लेकिन कल दो अहम घटनाक्रम हो रहे हैं 11 जून को। नंबर एक, कांग्रेस महंगाई के मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी, और दूसरा स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। तो राजनीतिक लिहाज से अगर सचिन पायलट के खेमे की बातचीत की जाए तो ये दोनों मुलाकातें बेहद अहम मानी जाती हैं। इस मुलाकात में आज की बात करें तो 7 कांग्रेस विधायक और 1 भाजपा विधायक ने आज सचिन पायलट से मुलाकात की है। सियासी हलकों में अगर चर्चा की बात की जाए तो विश्वेंद्र सिंह की मुलाकात इन तमाम विधायकों में अहम मानी जा सकती है। साथ ही वेद प्रकाश सोलंकी ने मुलाकात की है, जी आर खटाना, राकेश पारीख की बात करें, मुकेश भाकर और जो रामनिवास गावड़िया हैं उन्होंने भी सचिन पायलट से मुलाकात की है। 2 युवा विधायक जब बाहर आए तो हमारे उनसे बातचीत हुई और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत की। पहली बात उन्होंने कहा कि आज की मुलाकात तात्कालिक नहीं थी, पूर्व में प्रस्तावित थी और लगातार जो सामान्य तौर पर मुलाकात होती है वैसी होती रहती है। हालांकि फिर भी वर्तमान स्थितियों को देखते हुए सियासी हलकों में यह पूरी चर्चा है कि आज की मुलाकात सामान्य तौर पर नहीं थी, कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर डिस्कस हुआ होगा। बातचीत में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कल जो प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है उसको लेकर रणनीति को लेकर मिले थे, और साथ में कल जो कार्यक्रम स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर है उसको लेकर भी मुलाकात की, लेकिन कुछ मुद्दों पर खुलकर बोले। भाकर और गावड़िया दोनों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनके नेता सचिन पायलट हैं और जो कमेटी जो पहले विवाद था उन पर सुलटारे के लिए बनी थी वो लगातार देरी कर रही है, और देरी की वजह से जो असंतोष है वो जाहिर है सामने आ सकता है, और ये असंतोष की स्थिति ना बने ऐसे में आलाकमान को निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब के मुद्दे पर जिस तरह से वार्ता हुई और समाधान के प्रयास सभी स्तर पर हुए, इस तरह के प्रयास यहाँ भी होने चाहिए। सचिन पायलट का कद और राजनीतिक जो समर्थक उनके हैं, जो राजस्थान ही नहीं अन्य राज्यों में भी हैं, ऐसे में उनकी भी सुनवाई
होनी चाहिए। तो दोनों विधायकों ने स्पष्ट तौर पर साथ में यह बात भी कही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए, राजनीतिक नियुक्तियां हैं उनमें इस गुट को प्रमुखता मिलनी चाहिए, साथ ही जो सुनवाई कमेटी नहीं कर पा रही है, जो आलाकमान ने त्रिस्तरीय कमेटी गठित की थी, उस कमेटी को भी अब एक्टिव होना पड़ेगा। यानी कि सियासी जो सियासी सुगबुगाहट है वो एक बार फिर से एक पार्टी के अंदर होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और उसी से जोड़कर इसे साफ तौर पर अब देखा भी जा रहा है। अंकित, आप नजर बनाए रखें, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।